हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके एजुकेशनल चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो ये लास्ट पार्ट है रिसोर्सेज चैप्टर का, और इसी वाले पार्ट में हम इस चैप्टर का करेंगे एंड। इस चैप्टर में ही आपको कमेंट करनी है आपकी रिक्वेस्ट, जो भी आप चैप्टर मतलब जो भी जिस भी क्लास का आप कौन सा भी सब्जेक्ट कौन सा भी चैप्टर आप मांगना चाहते हैं कि इस चैप्टर की वीडियो बना, तो वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। जिसकी कमेंट सबसे पहले होगी उसी की रिक्वेस्ट मानी जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस। तो पिछली वीडियो में ये कुछ पॉइंट्स बताए थे हमने, ये इसको ये आप देख लीजिए एक बार पिक्चर को, पिक्चर में ही है सब कुछ। हमने पॉइंट्स बताए थे, ये पहला तो था इसका ये शॉपिंग बैग्स न्यूज़पेपर से बनाने हैं, मेड पॉकेट्स और डिस्कार्डेड क्लोथ्स और बास्केट से बास्केट्स को बैम्बू स्टिक से बनाना, ये फैमिली फिर इनको फैमिली को देना है बना के। ऐसे मोना ने ऐसा कहा था और मुस्तफ़ा ने कहा था ये गुड कॉज होगा। ये पहला हुआ था, फिर दूसरा ये हो गया था, फिर तीसरा हो गया था, तीनों के थे, फिर अभी हम चौथा करेंगे। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस। आशा ने कहा कि ड्रॉप मतलब वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी के भी घर में वाटर, वाटर वेस्ट होगा तो मतलब हर एक वाटर की ड्रॉप कीमती है हमारे लिए। तो ये चौथा हो चुका है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, बच्चों ने चिल्लाया ऐसा ये तो चार पॉइंट थे, चारों के चारों हो चुके हैं, और बच्चों ने फिर चिल्ला के बोला हम एक चेंज ला सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना रजू एंड देयर फ्रेंड्स डेड। यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी है जिसको हम पढ़ेंगे, वो मोना रजू और उनके फ्रेंड्स ने की थी। वॉट अबाउट यू, कि आप भी चीज़ें करने वाले हैं। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, आप रिसोर्स कंजर्वेशन में हेल्प कैसे करेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आप कैसे हेल्प कर सकते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन में। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। हमारे प्लैनेट के फ्यूचर का पीपल की लाइफ लिंक्ड है एक दूसरे से, और हमारी एबिलिटी मेंटेन और प्रिजर्व करती है लाइफ सपोर्ट सिस्टम को जो रिंचन ने प्रोवाइड कर रखा है। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, ये हमारी ड्यूटी है कि हम तीन पॉइंट्स को फॉलो करें हैं। ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, सस्टेनेबल रिसोर्सेज के रिन्यूएबल मतलब जो भी सस्टेनेबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यूज़ हैं वो सस्टेनेबल हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड, लाइफ की डाइवर्सिटी अर्थ पे कंजर्व्ड है। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज, नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम को डैमेज मिनिमाइज होता है। तो चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है एंड। और नोट्स की बात करें तो ये तीन पॉइंट यहाँ पे दे रखे थे, आप इन्हें लिख सकते हैं चाहे तो मार्क कर देते हैं, आप चाहे तो इन्हें लिख सकते हैं, ना चाहे तो ना भी लिख सकते हैं। हाईलाइट, तो चलिए ये मार्क हो चुके हैं। और यहाँ पे भी ये सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारे चैप्टर का दी एंड हो चुका है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपके उस कमेंट के ऊपर भी बेस हो सकती है, तो फटाफट वीडियो को चला के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए जो भी चैप्टर जिस भी क्लास किसी भी चैप्टर की किसी भी क्लास की किसी भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट फटाफट, आपकी रिक्वेस्ट मान ली जाएगी। जल्दी जल्दी कीजिएगा, जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा उसकी रिक्वेस्ट मानी जाएगी, वही चैप्टर हमारी अगली वीडियो में होगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।